बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार चिकन और गोभी का सालन। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.5 किलो हमने गोभी ली है, 1/2 kg हमने चिकन लिए, 4 अदद हमने टमाटर लिए उनको कट कर लिए, 1 हमने प्याज लिए उसको चॉप कर लिए, 1/2 कप हमने ऑयल लिए, 3 खाने के चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिए, 4 अदद हमने सब्ज मिर्च लिए उनको हमने काट लिए, 2 हमने ग्रीन लहसुन लिए उसको भी हमने काट लिए, 1 खाने का चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिए, 1 खाने का चम्मच हमने धनिया पाउडर लिए, 1 खाने का चम्मच हमने सूखी मिर्च पाउडर लिए, 1 खाने का चम्मच हमने नमक लिए, 1 खाने का चम्मच हमने जीरा पाउडर लिए। ये कुछ हमने सब धनिया लिए इसको हमने चॉप कर लिए, 4 अदद हमने सब साबुत सब्ज मिर्च लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कढ़ाई लिए, इसमें हम ऑयल डालेंगे, ऑयल को गरम करेंगे, ऑयल गरम हो चुका है अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, ग्रीन लहसुन भी ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, एक मिनट तक फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो चुका है, हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, कटी हुई सब्ज मिर्च भी ऐड करेंगे, स्पाइसेस ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सूखी मिर्च पाउडर, नमक, जीरा पाउडर और साबुत सब्ज मिर्च भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम पानी भी ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, अब इसको कवर कर देंगे, इसको 5 मिनट पकाएंगे। अब हम इसको चेक करेंगे, हमारा मसाला अच्छे से बन चुका है, अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे, अब इसको 3 से 4 मिनट भुनेंगे। चिकन अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें गोभी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, गोभी अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम इसको कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक करेंगे, हिलाएंगे, अब हम इसमें सब धनिया ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, हमारी मजेदार गोभी रेडी है, अब हम इसको सर्व करेंगे। Thanks for watching. Please subscribe my channel for more videos.